हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूं, डोरिस क्रिएटिविटी चैनल पे। आई होप आप सभी कोई बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं यहां पे सिलिकॉन मोल्ड जितना भी है मेरे पास उसमें कैंडल बना रही हूं। सारा सिलिकॉन मोल्ड को मैंने निकाल लिया है, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को पहला पिछला वाला वीडियो में कि मुझको एक जगह के लिए मैं कैंडल रेडी कर रही हूँ। बहुत बड़ा मेला टाइप से लगने वाला है। हम लोग का जो आदिवासी संस्कृति में करम पूजा बोलते हैं वो मैंने संडे को है, तो उसके लिए मैं रेडी कर रही हूँ सारा कैंडल। तो जितना भी सिलिकॉन मोल्ड है मैं अपने निकाल के सारा मैं बना रही हूँ। तो ये है क्रिसमस ट्री, इसमें मैं बना रही हूँ। ये देखिए ग्रीन कलर, और ये वाला कलर काफ़ी चलता है, तो मैं ये वाला को बना रही हूँ गाइस। और भी बहुत सारा सिलिकॉन मोल्ड सब में मैं बनाते जा रही हूँ। हालांकि यहाँ पे जगह कम है, तो जितना हो सके मैं यहाँ पे वीडियो आप लोगों के लिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फिर वीडियो में बने रहिए गाइस। सो एवरीवन, यहाँ पे क्रिसमस ट्री कैंडल मैं क्रिसमस टाइम में बनाती हूँ, तो इसलिए मुझको लग रहा है क्रिसमस के लिए ही तैयारी कर रही हूँ जैसा लग रहा है मुझको। सो एवरीवन, नेक्स्ट जो मैंने बनाया ये वाला बबल कैंडल्स, ये भी सिलिकॉन मोल्ड में मैंने बनाया हुआ है। और यहाँ पे आपको जब भी आप कैंडल निकालते हो तो काफ़ी ध्यान से निकलना पड़ता है। हालांकि टूटता नहीं है, बट इसको थोड़ा ना, क्योंकि पतला है ना काफ़ी ज़्यादा, और ये कैंडल काफ़ी भारी होता है बनने के बाद, तो इसको इस टाइप से थोड़ा खींचना पड़ता है। तो यहाँ पर भी मैंने वाइट, ग्रीन और ब्लू इस टाइप से करके बनाया है। और इसको मैं देखिए आगे किस टाइप से करती हूँ। ये कलर भी काफ़ी अच्छा, मैंने काफ़ी पसंद करते हैं गाइस। तो यहाँ पे देखिए वाइट ब्लू, एक बार में सिक्स पीस करके बनता है ये वाला में। और ये बड़ा साइज का है, ये छोटा साइज का भी आता है, छोटा साइज का भी आप मंगा सकते हो। तो मैंने जब भी मंगाया था तो बड़ा वाला मंगाया था, तो अभी मैं इसका छोटा भी ऑर्डर की हूँ तो आएगा उसका भी। तो क्योंकि जिसको बड़ा लेना है तो बड़ा ले, और जिसको छोटा चाहिए तो कम दाम का भी लेते हैं, तो इसलिए दोनों रखना चाहिए। तो मैं अभी छोटा भी मंगाई हूँ। तो एवरीवन, ये बबल्स कैंडल जब भी आप लोग बनाएंगे तो खोलने से पहले आपको इस स्टेप से चारों तरफ से इसको खींच लेना है, उसके बाद ही लूज करके आपको इसको खोलना है। सो एवरीवन, ये है वाइट बबल कैंडल्स, जो कि वाइट कलर्स तो बहुत सारा है अपने पास, तो मैं सोची ये ज़्यादा ही सिंपल लग रहा है तो इसके ऊपर कुछ किया जाए। तो मैं, चलिए मेरे पास था कलर और ये छोटा सा ब्रश, पतला सा ब्रश, जो कि मैं कुछ करूँगी। तो चलिए फिर वीडियो को देखिए आगे तक। मैंने यहाँ पे स्टेप से बनाया है, आपको जैसे चाहे आप अपना डिजाइन कर सकते हो गाइस। Thank you.
सो एवरीवन, यहाँ पे देखिए ये है रोज़ कैंडल जो कि पिलर में है, रोज़ डिजाइन वाला कैंडल। ये भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, काफ़ी अच्छा फीडबैक आया इसका। और जब भी मैं दुकान लेके जाती हूँ ये ऑफर्स आता नहीं है, मैंने काफ़ी मैंने बिक्री हो रहा है गाइस इस टाइप से। और भी ये सबको धागा सबको फिनिशिंग देना है, इसको कटना है, तो आगे चलिए इसका प्रोसेस भी कर लेते हैं क्योंकि कैंडल बनाते जा रही हूँ। तो मैं छोटा सा आप लोगों के लिए वीडियो यहाँ पे शेयर की हूँ और बन ही रहा है, जितना बना है और भी बन रहा है। और मैं जितना ये टेबल में जितना समय है मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, हालांकि और भी बन गया है लेने के लिए। तो ये देखिए ये वाला कलर भी, और क्रिसमस में काफ़ी ज़्यादा अच्छा अच्छा बनेगा ये सब डिज़ाइन में। फ़िलहाल के लिए मैं जितना सक्रिय भी कर रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, अभी शॉर्ट टाइम में मुझको ये सारा चीज़ करना पड़ रहा है गाइस। सो एवरीवन, यहाँ पे देखिए तो ये है मेरा कैंडल बनके रेडी हो गया है। और ये है देखिए रोज़ रंग बिरंगी कैंडल जो कि ग्रीन ऑरेंज सब भी बन रहा है और बन भी चुका है। तो यहाँ पे देखिए, और ये वाला मैंने अभी दीपावली सीजन है ना, जहाँ भी जाने से बिकता ही बिकता है, तो इसको मैं ज़्यादा कोशिश करूँ ये वाला को बनाऊँ। तो आई होप आज का छोटा सा वीडियो मेरा आप लोगों को पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।